कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लाने का फैसला। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर अमल दरामद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। तवानाई पॉलिसी लागू करके इम्पोर्टेड फ्यूल बिल को कम किया जाएगा। NEC ने फेडरल फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम की मंजूरी दे दी है। आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं आपको अहम खबर से। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास, मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी है। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लाने का फैसला किया गया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है अवैस कियानी ने। जी बताइएगा, इस हवाले से आपका क्या कहना है? इस फैसले पर अमल दरामद कब तक किया जाएगा? देखिए, अमल दरामद तो अभी भी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जनवरी में भी वफाकी काबीना ने यह फैसला किया था और लोगों को सिफारिश भी की थी कि दुकानें 8:30 बजे रात बंद की जाएंगी ताकि बिजली की बचत हो सके, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और अब एक बार फिर कौमी इक्तिसादी कौंसिल ने आज यह फैसला किया है कि दुकानें रात 8 बजे बंद की जाएंगी और सूबों को भी इस हवाले से तमाद में लिया गया है। लेकिन उसके इजलास के बाद ही जो आल पाकिस्तान तंजीमन ताजरान है उनकी जानब से जो फैसला है मुस्तरद कर दिया गया है और ये कहा है कि किसी भी सूरत जो हुकूमती फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये मौसम है गर्मी का और गर्मी के मौसम में रात 8 बजे दुकानें बंद करना किसी तौर भी काबिल कबूल नहीं है। फैसला पहले ही तंजीमन ताजरान ने मुस्तरद किया था और एक बार तब जो फैसला है उस पर भी अंजुमन ताजरान की जाने से तहफात का इजहार किया गया और फैसला मुस्तरद किया गया। अब देखना यह है कि हुकूमत किस तरह लोगों के साथ मिलकर इस फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाती है। जी अवैस कियानी, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें अपडेट कर रहे थे।